भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पयंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पयंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पयंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। हसनैन जिनके जलवों से हर सू उजाला है, जिन्हें सब्र रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल जहरा के कभी जब रूट जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिबरील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हर दम साथ साथ उनके। लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो एक वाकया ऐ दोस्तों तुमको सुनाते हैं। तसव्वुर में जो है तस्वीरें माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो, बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाकया सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले तो करते चहल कदमी फातिमा जहरा के घर पहुंचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूले पाक को देखा तो वो ताजीम को उठे। हुए बे इंतहा खुश वो बड़े नाजा थे किस्मत पर के सरकारे दो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर। बिछा दी एक चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर। हुए रौनक फजा सरकार दो आलम चटाई पर। हुए रौनक फजा सरकार दो आलम चटाई पर। अली और बीबी फातिमा ने जब हुजूर को अपने घर देखा तो बेइंतहा खुशी हुई और फिर आपको बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी गई
बिछा दी चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर, हुए रौनक फजा सरकारे दो आलम चटाई पर। और फिर हुजूर की किस तरह तवाजे की हजरत अली और बीबी फातिमा ने, समाप्त फरमाइए। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की आकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहां शब्बीर और शब्बर। कहा जहरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। ये फरमाया के बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। महल्ले में कहीं होंगे अली तुम ढूंढ के लाओ, मेरे प्यारे नवासों को बुलाकर जल्द ले आओ। वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ, वो हंसकर पास आते हैं तभी मैं चैन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए, के खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त जी भर के। किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने, खिलाई और खाई फिर खजूरे शाहे बदहाने। बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है के तुमको खेल प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। से नाना जान के पास आकर सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर सरवरे कायनात ने आपको बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि बताओ आज दिन पूरा कहां तुमने गुजारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है कि तुमको खेल प्यारा है। ये सुनकर हजरत शब्बीर और शब्बर कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, लेकिन उसके बाद अब क्या सवालों जवाब होते हैं, नाना जान अपने प्यारे नवासों से क्या पूछते हैं और नवासा किस तरह जवाब देता है, ये खास तरीके से बंद समाज फरमाइए। खुशी से बात होती थी समा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का था वो घर खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में अपना दिल लगाना तुम, ना हर किस खेल में बच्चों के वक्त अपना गवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तहान लेंगे, सवाल एक हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बताओ हम में तुम में
मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन बुने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से तन कर वो नाना जान से बोले। ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नों बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। जवाब देते हैं कि ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। जब ये जवाब सुनते हैं बीबी फातिमा और हजरत अली तो तैश में डांट देते हैं हजरत इमाम हुसैन को और आप सहम जाते हैं। लेकिन रसूल पाक क्या फरमाते हैं ये समाज कीजिएगा। अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए, कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहम कर रह गए शब्बीरो शब्बर रो पड़े दोनों, पकड़ कर कान दर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। हुसैन बुने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। हुसैन एकदम ये बोले, बाप हैं शेरे खुदा मेरे, मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी माँ नबीजादी है और खातूने जन्नत है, तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर हैं, बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है, तुम्हारे नाना पे बोलो जरा कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं, तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। रसूल अल्लाह ने हंसकर गले से उनको चिपटाया, मस
हसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा।